नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। आधुनिक भारतीय इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल शासन काल में जो नवीन राज्यों का उदय हुआ उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने इसका पिछला वीडियो मिस किया तो उस वीडियो को जरूर देखिए, और आगे आने वाले जितने भी वीडियो है इस श्रृंखला के बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि किसी न किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बनाए जाएंगे। तो आरआरबी एनटीपीसी 2019 को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला को बनाया जा रहा है। तो हमारे सभी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान किए थे? 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा। जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे, इन्होंने 1765 ईस्वी में, जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें हार के बाद इन्होंने अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। इसी संधि के द्वारा, जो संधि हुई थी 1765 में हुई थी, इसी संधि के द्वारा उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो सूबेदारी थी वो कंपनी को सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? जो लॉर्ड डलहौजी की राज्यों को विलय करने की नीति थी उसका जो पहला शिकार हुआ वो कौन हुआ? तो उसका जो शिकार हुआ वो था सतारा। सतारा सबसे पहले विलय नीति का शिकार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक ने अपना जो उत्तराधिकारी बनाया वो बनाया गुरु अंगद को, और गुरु अंगद को ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक भी माना जाता है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट की फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट पेज पर आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, वहां से भी आप संपर्क करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई मार्च 1707 ईस्वी में, तो उस समय जो मराठा का नेतृत्व था वो किसके हाथ में था? तो मराठा का नेतृत्व उस समय ताराबाई के हाथ में था। ताराबाई जो थी वो मराठों का नेतृत्व कर रही थी, और तो ताराबाई थी वो राजा राम की विधवा पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किस रीति के द्वारा हुआ? जो लाल डलहौजी थे उन्होंने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया, जो कि इनकी विलय नीति के तहत ही था, लेकिन इसका जो रीति थी वो क्या थी? तो वो रीति थी कुशासन का आरोप लगा करके। इन्होंने कहा कि आप जो अवध है उस पर शासन सही से कर नहीं पा रहे हैं, और वहां की जो जनता है वो आपके शासन को समझ नहीं पा रही है, तो इस वजह से कुशासन का आरोप लगा करके, उनको अयोग्य करार दे करके उन्होंने अवध का जो राज्य था वो अंग्रेजी शासन में मिला लिया। नेक्स्ट है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? जो बसीन या बेसीन की जो संधि है वो किनके किनके मध्य हुई थी? तो ये 1802 ईस्वी में हुई थी, जिसमें जो हस्ताक्षर किए थे अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय ने किए थे। इट मीन्स ये जो संधि हुई अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई, और इसमें क्या हुआ कि दोनों लोगों ने एक दूसरे का साथ देने और सैनिक सहयोग की बात को स्वीकारा। इसके अलावा जो एक दूसरे के मित्र थे, इट मीन्स अंग्रेजों के मित्र और बाजीराव द्वितीय के मित्र, तो इन दोनों के मित्रों को भी सहायता देने का वचन दिया इस संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर स्थापित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो वो थे मीर कासिम। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। इसके पीछे का जो रीजन था वो ये था, चूंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का जो आधिपत्य था, उनका जो शासन का क्षेत्र था वो काफी अधिक बढ़ चुका था, और उनकी आवाजाही वहां पर ज्यादा थी। इसके अलावा उनका मुर्शिदाबाद में हस्तक्षेप भी ज्यादा था, तो इसी वजह से इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, और मुंगेर में इन्होंने तोप और बंदूक बनाने का एक कारखाना भी स्थापित किया। नेक्स्ट है, हिमालय के तराई क्षेत्र में
रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? जो हिमालय का तराई क्षेत्र है वहां पर एक नया राज्य की स्थापना हुई, उस राज्य का नाम था रुहेलखंड। तो रुहेलखंड की जो स्थापना है उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो रुहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय अली मोहम्मद खां को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टिनोवा के युद्ध में हराया? पोर्टिनोवा के युद्ध में जो हैदर अली थे उनको हराने वाला जो जनरल था, गवर्नर जनरल ब्रिटिश का, वो था सर आयरकोट। इसने हैदर अली को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? सहायक संधि जो कि अंग्रेजों की एक राज्य विस्तार की नीति थी, तो इस संधि को स्वीकार ना करने वाले जो बंगाल के नवाब थे वो थे, भारतीय शासक थे बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब ने इस संधि को नहीं स्वीकारा था। इसके अलावा जो अन्य शासक थे हैदराबाद के निजाम, उन्होंने इस संधि को स्वीकारा, लेकिन बंगाल के नवाबों ने इसे नहीं स्वीकारा। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? जो सिखों का नेतृत्व करता थे महाराजा रणजीत सिंह, उनकी राजधानी क्या थी? उनकी जो राजधानी थी वो लाहौर थी, वो लाहौर से शासन करते थे। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करने वाले जो बंगाल के नवाब थे वो थे अली वर्दी खां। अली वर्दी खां ने ये कहा था कि यदि हम यूरोपियों को नहीं छेड़ेंगे तो हमें शहद देंगे, लेकिन यदि हम उन्हें छेड़ेंगे तो वो अपना जो है विष हम पर छोड़ेंगे, इट मीन्स वो हमको काट सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने यूरोपियों की तुलना जो है मधुमक्खी से की थी, कि यदि अगर हम उनको नहीं छेड़ेंगे तो वो हमें शहद रूपी फायदा देंगे, लेकिन यदि हम उनको छेड़ेंगे तो वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है, मद्रास के किस गवर्नर ने टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी? तो जिस समय टीपू और मद्रास के गवर्नर की भी संधि हुई, उस समय मद्रास का जो गवर्नर था वो लॉर्ड मैकार्टनी था। लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के मध्य मंगलोर की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, किस किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली था वंशानुगत हो गया? तो पेशवा का जो पद था वो शक्तिशाली और वंशानुगत साहू जी के समय में हुआ। नेक्स्ट है, पानीपत युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? पानीपत का युद्ध जो कि अहमद शाह अब्दाली का पांचवा युद्ध था, उसने जब पांचवा आक्रमण किया था तो वो पानीपत का तृतीय युद्ध ही हुआ था। तो इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया? मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया? जो जो पुरंदर का युद्ध हुआ था जिसमें शिवाजी की हार हुई थी, इसमें शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? तो ये उन्होंने पुरंदर के किले में किया था। पुरंदर का ही किला था जहां पर उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? जब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हरा करके उसकी हत्या की गई, उसके बाद जो बंगाल का नवाब बनाया गया वो मीर जाफर को बनाया गया, और मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों के संरक्षण में बंगाल का नवाब बना था, जो कि उस कूटनीति में शामिल था जिसमें क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। नेक्स्ट है, राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया? जब राजा राम की मृत्यु हुई उसके बाद जो मराठों का नेतृत्व किया वो ताराबाई के द्वारा किया गया, और ताराबाई जो थी वो राजा राम की विधवा पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किसने मराठों को अंतिम रूप से पराजित किया? जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था जिसमें अंग्रेज और मराठों के मध्य युद्ध हुआ, तो इसमें मराठों को अंतिम रूप से पूर्ण रूप से पराजित करने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है। और आंग्ल मराठा तीन युद्ध हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस युद्ध में को तोपों का युद्ध कहा जाता है? तोपों के युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है? तो वो है गुजरात का युद्ध। गुजरात का जो युद्ध हुआ था इसमें तोपों का इस्तेमाल सबसे अधिक हुआ था, इस वजह से इस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है, घसीटी बेगम, शौकत जंग और राजबल्लभ बंगाल के किस नवाब के प्रबल शत्रु थे? तो ये जो थे सिराजुद्दौला के शत्रु थे, जिसमें से घसीटी बेगम जो थी ये सिराजुद्दौला की मौसी थी, और जो शौकत जंग थे ये मौसी के लड़के थे। जो घसीटी बेगम थी ये ढाका से इनका शासन चलता था, और जो शौकत जंग थे इनका शासन बिहार से चलता था। इसके अलावा जो राजबल्लभ थे ये सिराजुद्दौला के एक दुश्मन थे, और इनका जो है एक दूसरे से विवाद चलता
था। तो ये तीनों जो थे ये सिराजुद्दौला के प्रबल शत्रु थे। बाद में चूंकि ये रहते अलग अलग थे, घसीटी बेगम ढाका, शौकत जंग बिहार, और राजवल्लभ जो है वो बंगाल के ही आसपास क्षेत्र में रहता था, लेकिन जब सिराजुद्दौला को पराजित करने की बात आई तो ये तीनों आपस में एक हो गए। और तीनों जो थे वो बंगाल का नवाबी जो है चाहते थे, और उसमें ये कहते थे कि हमारा भी इसमें हक है। क्योंकि जो सिराजुद्दौला थे वो अपने नाना की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब बने थे, तो इस वजह से घसीटी बेगम और शौकत जंग के द्वारा भी अपना उत्तराधिकार जनाया जा रहा था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे। वीडियो को ज्यादातर लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको इजीली अवेलेबल हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।